हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फिर आज बात करेंगे फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइजेशन के बारे में, फेसबुक से किस तरह से अर्निंग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज के डेट में बहुत सारा क्रिएटर यूट्यूब में फेल हो रहा है और ऐसा बहुत सारा क्रिएटर है जो यूट्यूब में कुछ सक्सेस नहीं हो पाया है बट फेसबुक में जाके चैनल को मोनेटाइज किया और अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है आज के डेट में। फ्रेंड्स, आज के डेट में संभव है, आप YouTube से भी अर्निंग कर सकते हैं, साथ साथ Facebook से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और Instagram आज के डेट में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट वीडियो के लिए। तो फिर अगर आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर अच्छा खासा फॉलोअर है और आप सोच रहे कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करिएगा, कैसे करिएगा, कहाँ पे आपको सबमिट करना होगा मोनेटाइजेशन सिस्टम, या कहाँ से आप अपना फेसबुक पेज प्रोफाइल या इंस्टाग्राम को क्रिएटर मोड में ट्रैक कर सकते हैं, सारा चीज डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल को, जिस तरह का क्रिएटर वीडियो, टेक वीडियो, साथ साथ क्रिप्टो बेसिस वीडियो में डेली आप लोग लगातार लाते रहता हूँ रात 9 बजे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैं मेटा बिजनेस स्टूडियो के अंदर हूँ और जहाँ पे मेरा फेसबुक पेज भी शो हो रहा है, साथ ही साथ मेरा जो इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल भी दोनों एक साथ यहाँ पे शो हो रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या एक्टिविटीज हुआ है, क्या रीच आया है, या किस तरह का फॉलोअर हमको मिल रहा है, या कौन सा पोस्ट ज्यादा व्यू हो रहा है, सारा रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप मेटा बिजनेस स्टूडियो में जाते हैं तो यहाँ पे सारा आपका जो चैनल का फुल एक्टिविटीज है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही साथ व्यूअर का इंटरेस्ट आप जान सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस मोनेटाइजेशन टैब को देख रहे हैं, अगर इस मोनेटाइजेशन टैब में क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स, आज के डेट में फेसबुक को मोनेटाइज करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यूट्यूब में भी मेहनत करना पड़ेगा, फेसबुक अगर मोनेटाइज करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। मोनेटाइजेशन के लिए आपको 60,000 टोटल वॉच टाइम आपको चाहिए, वो भी 60 दिन के अंदर, मतलब 2 महीना के अंदर आपको 60,000, उसके बाद ही आपका फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज, उसके बाद ही आप फेसबुक को मोनेटाइज कर सकते हैं और फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप तो वॉच टाइम हो गया, आपको फॉलोअर भी लाना होगा, यहाँ पे 10,000 फॉलोअर आपको चाहिए तभी आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चैनल को ट्रैक करना चाहते हैं या आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है, प्रोफाइल को आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा मेटा बिजनेस स्टूडियो में। अगर आप गूगल करिएगा मेटा बिजनेस स्टूडियो या फेसबुक क्रिएटर, ये दोनों चीज सर्च करके आप डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हैं। यहाँ पे आने से आपका फेसबुक, टोटल फेसबुक को आप ट्रैक कर सकते हैं, आपका फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, या आपका प्रोफाइल, तो सारा चीज आप ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंटेंट का बात करिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटेंट का अगर बात करिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट, स्टोरी, एड, ये सारा चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मतलब जो रील्स आप डाल रहे हैं वो रील्स के अंदर क्या रीच आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है, वो सारा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं आपका रील्स को या आपका पोस्ट को, तो आप प्रमोट भी कर सकते हैं मेटा बिजनेस स्टूडियो एप्लीकेशन से। तो मेटा बिजनेस स्टूडियो का इस्तेमाल करना होगा जहां से आप अपना कंटेंट, आपका चैनल प्रोफाइल सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब, कोई भी समस्या अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। मिलते हैं किसी नया क्रिएटर टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।